हेलो एवरीवन, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइम एंड वर्क। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या वो स्टेट लेवल का हो या आपके सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं देखेंगे। तो टाइम एंड वर्क एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद हम इसके क्वेश्चनों को, जिस कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सबको यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को कि क्या रहेगा इसका कंसेप्ट और उस कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है एग्जाम के अंदर। तो ये सब हम चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टाइम एंड वर्क का पार्ट वन कर रहे हैं हम आज। मैं देखिए, टाइम और वर्क, जो टोटल वर्क होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेसिकली वो डिपेंड करेगा पर्सन की एफिशिएंसी के ऊपर। किसी काम को अगर हम करना चाहते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारी एफिशिएंसी, हमारी कैपेसिटी के ऊपर कि हम कितना काम कर सकते हैं। मिंटू से दैट कि अगर किसी पर्सन की एफिशिएंसी 25% है, अगर किसी पर्सन की एफिशिएंसी 25, देखो कोई भी काम है अपने आप में होता क्या है, 100% होता है। अपने आप में कोई भी काम क्या होता है, 100% मान लिया जाता है ना। एक पूरा काम है, इसको करना है एक पर्सन को, और उस पर्सन की एक दिन में उस काम को करने की जो कैपेसिटी है वो 25% है। तो 25% अगर एक दिन की कैपेसिटी होगी तो 100% को करने में वो कितने टाइम लेगा? 25 डिवाइड किया हमने, कट किया, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 4 डेज हो सकता है, 4 आर हो सकता है आपके पास, है ना। क्वेश्चन में जैसा भी दिया होगा टाइम, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। चलिए, अब ये क्या था, देखिए टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क कितना था? 100 डिवाइड बाय क्या कर दिया मैंने, कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या मिला मुझे? टाइम मिल गया मुझे कि कितने टाइम में वो कितना काम करेगा अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। और यही हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में? टाइम एंड वर्क के बीच में रिलेशन होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि 33.33% अगर किसी की एफिशिएंसी है और वो उसको भी क्या करना है, 100% होता है। कोई भी काम लेंगे, कोई भी काम 100%, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेगा काम, तो डिवाइडेड बाय 33 पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास, मतलब 100 का तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट, है ना। तो इसको जब डिवाइड किया आप, ये आंसर क्या बनेगा आपका? 3 डेज या आवर्स, जितना भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो सारा कुछ आ जाएगा। समझ में आई बात? अब यहां से मैं इसको बताता हूं आपको कि जो आपका टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कैपेसिटी के। कैपेसिटी बोले या फिर हम बोले एफिशिएंसी, कैपेसिटी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी। चलिए, टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। देखिए, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होती है कि वर्क जो होना चाहिए ना मेरा, वो क्या होना चाहिए? सेम, कॉन्स्टेंट होना चाहिए दोनों केसेज में, है ना। वर्क जो होगा सेम होगा, तभी जाके हमारे पास टाइम और कैपेसिटी का जो रेशियो आता है, या जो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम का अगर रेशियो मेरे पास किसी क्वेश्चन में दिया गया 2:1, तो अपने आप ही आप लोग समझ जाएंगे, अगर उसके अंदर वर्क सेम दिया हुआ है तो कैपेसिटी का जो रेशियो रहेगा वो 1:2 रहेगा। कैपेसिटी का जो रेशियो रहेगा वो 1:2 बन जाएगा, मतलब दोनों क्या होंगे, दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब जितना टाइम लगेगा किसी काम को करने में ज़्यादा, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी उतनी कम है। अगर किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसी काम को करने में वो टाइम कम लेगा, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है बिटवीन टाइम एंड कैपेसिटी, इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा एक और देखते हैं हमारे पास। देखिए, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1, एक आपके पास ये रिलेशन भी होता है आपके एग्जाम में, इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये आपका टाइम एंड वर्क का। देखिए, कितने पर्सन हैं, मतलब पर्सन की एफिशिएंसी, मैं कह देता हूँ कि 4 पर्सन है, 2 पर्सन है, उनकी एफिशिएंसी है किसी काम को करने की, कुछ एफिशिएंसी गिवन होती है क्वेश्चन में। M stand for man, यहाँ पे मैन हो सकता है, वोमैन हो सकती है, बॉयज हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकता है, कुछ भी पर्सन, है ना। D stand for days, H stand for R,
इन सम क्वेश्चन कई बार आर गिवन भी होता है, कई बार गिवन नहीं होता। अगर गिवन नहीं होगा तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, M1 D1 डिवाइड बाई W1 रहेगा। W1 का मतलब क्या होता है आपका, वर्क, कि टोटल वर्क कितना बना। अब MDH मतलब कितने आदमी कितने दिन में और एक दिन में कितने घंटे काम करके क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, W1 हो जाता है। जैसे हमने यहाँ से निकाला, देखो टाइम के इनटू में अगर एफिशिएंसी कर दी, एफिशिएंसी किसी पर्सन की होगी, एफिशिएंसी कर दी तो मेरे पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन टाइम एंड वर्क। ओके, इसके ऊपर भी आपको ख्याल रखना है। तो इसके बेसिस पे भी हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिस पे भी करेंगे, इसके बेसिस पे भी करेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे समझेंगे हम पूरे के पूरे कंसेप्ट को। अब छोटा क्वेश्चन क्या है, मान लेता हूँ कि ए कोई पर्सन है वो किसी काम को 10 डेज में ख़त्म करता है, बी कोई पर्सन है वो उसी काम को 12 डेज में ख़त्म कर देता है। ठीक है, ए कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज बोथ कंप्लीटेड द वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, कितने दिन में, इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, दोनों अगर साथ में मिल जाए मतलब ए प्लस बी अगर काम करे तो कितने दिन में। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद वो सारे के सारे बेस्ड ऑन दिस है ना, इसके ऊपर हम सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए मेरे पास गिवन क्या है, 10 और 12, ये क्या चीज़ है, ए क्या है, ये 10 डेज मतलब टाइम गिवन है आपको, है ना, 10 और 12 आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। अभी मेरे पास टोटल वर्क नहीं पता मुझे, मैं एक ऐसा टोटल वर्क अज्यूम करता हूँ यहाँ पे जो वर्क 10 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब मैं टोटल वर्क के डिवाइड में क्या करता हूँ, मेरा टाइम करूँगा, तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा, कैपेसिटी का आंसर मिलेगा, मिलेगा कि कैपेसिटी क्या थी उसकी। ये ए की बात कर रहा है, ये बी की बात कर रहा है, बात समझ पाए इतनी। इसके बाद लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऐसे ही नंबर लेना कि जो इससे डिवाइड करेगा, है ना। अगर कोई और नंबर लेते हैं जो इनसे डिवाइड नहीं होता है तो हमारा जो कैपेसिटी का वैल्यू आएगा क्वेश्चन में वो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। अगर वो फ्रैक्शन में आया तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सोल्व करने में, इसलिए हम कोई ऐसा नंबर अज्यूम कर लेते हैं जो इससे भी डिवाइड हो जाए और हमारा जो वैल्यू आए कैपेसिटी का वो क्या आएगा हमारे पास, फ्रैक्शन ना आके इंटीजर वैल्यू आए। ठीक है जी, तो 10 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे, आंसर इज 60। एलसीएम एक 60 होगा, 60 आ जाएगा तो इसका मतलब टोटल वर्क क्या होगा, 60। मैंने कह दिया आपको कि वो 60 बुक्स बनाता है, टोटल वर्क उनके पास क्या है, 60 बुक्स हैं, ऐसा कुछ अज्यूम कर लेते हैं हम। इसके बाद अगर 60 बुक्स को ए पर्सन जो है 10 दिन में कंप्लीट करता है तो इसका मतलब एक दिन में उसने कितनी बुक्स बनाई होंगी, 6 बुक्स बनाई होगी, है ना। अब इन्हीं 60 बुक्स को अगर बी कंप्लीट करता है 12 डेज में तो एक दिन में कितनी बुक्स बनाई होंगी, 5 बुक्स बनाई होगी, बात सही है। 60/12, 60/10, ये बन गया हमारे पास। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर दोनों साथ में मिल जाते, अगर दोनों साथ में हो जाते टुगेदर, तो 60 के 60 बुक्स को ही वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेते। तो देखिए एक दिन में ए जो है वो 6 बुक्स बनाता है, एक दिन में बी जो है वो 5 बुक्स बनाता है, इसका मतलब एक दिन में कितनी, 11 बुक्स बनती हैं। एक दिन में कितनी, 11 बुक्स बनती हैं, 11 बुक्स बनेंगी लेकिन बनानी उसको 60 है, तो एक दिन की जो कैपेसिटी आई दोनों की वो 11 आई, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय कैपेसिटी करूंगा मैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय कैपेसिटी कर दिया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, टाइम, तो टाइम क्या मिलेगा, 5/11 डेज। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब ये होगा कि हम इन चीज़ों को स्लॉट में चलाते हैं, स्लॉट मतलब देखो ए प्लस बी एक दिन काम करेगा, ए प्लस बी फिर दूसरे दिन भी ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, मतलब हर स्लॉट में हर दिन क्या कौन कौन काम करेगा, ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा, बोथ दोनों काम करते रहेंगे। बात समझ में आई भाई यहाँ तक, तो ये आपका रहेगा कि बेसिक सा कंसेप्ट टाइम एंड वर्क को समझने के लिए। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक अज्यूम करना होता है, एक टाइम आपको, एक आपको वर्क, है ना, जिसके अकॉर्डिंग आपकी कैपेसिटी की वैल्यू को आप फाइंड कर पाओ, डन। तो अभी इसके बाद ये आपका कंसेप्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चनों को ट्राई करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना होगा।
तो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अस, है ना। तो वो हमारी रहेगी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट की कैसे टैकल करना, अगर वो सब सीख जाए तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से चुटकी बजा के क्वेश्चन में पेपर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं फिर ऐसे क्वेश्चनों को कि जो आपके बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करके हम सिंपल क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दीज आर द थ्री क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपका बेसिक कंसेप्ट इन तीन क्वेश्चनों से कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 and 12 days। देखिए, जो हमने लास्ट एग्जांपल दिया था आपको टाइम एंड वर्क का, उससे रिलेटेड ही ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। क्या रहेगा, देखिए, ए एक पर्सन है और एक बी पर्सन है आपका, तो वो आंसर क्या रहेगा, 8 दिन में और 10 दिन में, मतलब 8 days और 10 days में काम को ख़त्म करते हैं। तो दिया क्या गया आपको, ए और बी का टाइम गिवन है आपको। तो आपको अज्यूम क्या करना है इस केस में, आपको अज्यूम करना पड़ेगा टोटल वर्क क्या रहेगा। तो 8 और 10 जो आपका है, तो उसमें जो आपका एलसीएम आएगा वही नंबर लेंगे, क्योंकि वही नंबर लेना है आपको जब आपकी कैपेसिटी का जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, इंटीजर में रहेगा। चलिए, तो 8 और 10 का अगर मैं एलसीएम देखता हूँ तो वो मेरे पास 40 रहता है टोटल, है ना, टोटल क्या रहेगा, 40। तो अगर 40, वही सेम केस ले लेते हम कि टोटल वर्क क्या था, 40 बुक्स था हमारे पास। अभी अगर 40 बुक्स को वो 8 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी थी वो क्या थी, 5 बुक्स पर डे, ये कैपेसिटी थी उसकी, ये एफिशिएंसी थी। उसके बाद अगर वो 40 बुक्स को 10 डेज में करता जो बी वाला पर्सन है, तो वो एक दिन में उसकी कैपेसिटी क्या थी, 4 बुक्स पर डे, है ना, 4 बुक्स पर डे, ये उसकी कैपेसिटी रहेगी। अब उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कि इन हाउ मच टाइम बोथ कैन फिनिश द होल वर्क वर्किंग टूगेदर। अगर साथ में मिल जाए, मतलब स्लॉट क्या रहेंगे हमारे पास, स्लॉट रहेंगे ए प्लस बी, अगला स्लॉट भी फिर हमारे पास ए प्लस बी। अब जो डेली का स्लॉट बन रहा है हमारा, वो किसका बन रहा है, ए प्लस बी का बन रहा है, मतलब ए प्लस बी आएगा 5 प्लस 4, मतलब 9 बुक्स बनाएगा एक दिन में। अभी पहले वो अकेले अकेले अगर काम कर रहे थे तो ए एक दिन में 5 और बी एक दिन में 4 बना रहा था, लेकिन अभी 9, अगले दिन भी फिर क्या होगा, 9, अगले दिन भी क्या होगा, 9। टोटल वन डे का जो एफिशिएंसी बना बोथ, है ना, ए और बी का, तो वो कितना बना, 9 बुक्स पर डे। अब टोटल बुक्स है हमारे पास 40, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, टोटल कैपेसिटी एक दिन की। तो टोटल कैपेसिटी अगर डिवाइड करते हैं टोटल वर्क के, तो मेरा आंसर क्या आता है, टाइम में आ जाता है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा 4 4 बाय 9 डेज, तो ये मेरा क्या रहेगा, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। बात समझ पाए होंगे आप अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन में 2 पर्सन नहीं है, अभी हम 3 पर्सन को अज्यूम कर रहे हैं, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10, 12 and 15 डेज। चलिए इसको ट्राई करते हैं क्या रहेगा। देखिए, ए पर्सन है आपके पास, एक बी पर्सन है, एक सी पर्सन है, तो वो 10 यहाँ पे भी टाइम आपको गिवन है, और आपको टोटल वर्क को अज्यूम करना पड़ेगा। टोटल वर्क को अज्यूम क्या करना है, एलसीएम ऑफ दीज टाइम्स, 10, 12 और 15 का जो एलसीएम निकालोगे आप, तो वो आपका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास कितना बनेगा, 60 बनेगा टोटल। टोटल क्या आएगा, 60, मतलब मैं ये कह देता हूँ कि टोटल 60 बुक्स थी मेरे पास, टोटल वर्क ये था, डन। चलिए, ए जो पर्सन है 60 बुक्स को 10 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब एक दिन में उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 बनेगी। उसके बाद बी जो पर्सन है 60 बुक्स को 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, 5 रहेगी। तो सी जो है वो 60 बुक्स को 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, 4 रहेगी। गॉट इट ना, बहुत ईजी से। चलो, अभी वो कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर, इसमें टुगेदर भी आएगा, ठीक है, इसमें आप ऐड कर लेना एक बार, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में टुगेदर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 6 प्लस 5 प्लस 4, तो आंसर इज 15 बुक्स पर डे। ये एफिशिएंसी क्या बनेगी, उन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी, क्योंकि जो स्लॉट बन रहा है ना हमारे पास अभी ए प्लस बी प्लस सी का बन रहा है, अगला स्लॉट जो बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी का बन रहा है, अगला स्लॉट जो बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी का बन रहा है, ऐसे ही बनता है, क्योंकि तीनों को साथ में काम करना है जी, तीनों को साथ में काम करना है। तो अभी एक दिन में 15, अगले दिन फिर 15 बनाएंगे, अगले दिन फिर 15 बनाएंगे, है ना। तो टोटल वर्क जितना है मेरे पास डिवाइड बाय वन डे एफिशिएंसी, तो करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 4 डेज। तो 4 दिन
में क्या हो जाएगा, वो टोटल की टोटल जो काम था हमारे पास, जो जूम किया गया था, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आंसर इज 4 days, तो ये 4 days आ जाएगा। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इन दो क्वेश्चनों को। अभी हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर दिया गया आपको दो दो पर्सन इकट्ठे काम कर रहे हैं, ए बी कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 15 days, एंड सी एंड ए इन 20 days। देखिए इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करेंगे, आराम से समझेंगे कि क्या रहेगा। स्टेटमेंट वही रहेगी, देखिए ए प्लस बी लिख दिया मैंने स्टार्टिंग में कि ए प्लस बी इकट्ठा काम करता है, वो कितने दिन में, 10 दिन में। उसके बाद बी प्लस सी की काम आएगा तो वो कितने दिन में आएगा, 15 दिन में। तो सी प्लस ए आएगा आपका तो वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ तक तो काम वही था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट चीज़ है ना वो ये है कि सिंगल सिंगल पर्सन काम नहीं कर रहा, अभी डबल डबल पर्सन काम कर रहे हैं ना। इस चीज़ को हमें सिंगल में कैसे लेके आएंगे ये समझेंगे। आप ध्यान से देखिएगा क्या रहेगा। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा टोटल वर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या होता है, दो जो हम एलसीएम लेते हैं किन टाइम्स के रिगार्डिंग। चलिए इनका एलसीएम लिया, हमारे आंसर क्या आएगा, 60। मैंने कहा कि टोटल वर्क था 60 बुक्स, टोटल वर्क क्या था, 60 बुक्स था। बुक्स बना रहे हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर 60 बुक्स को ए प्लस बी इकट्ठा मिलके 10 डेज में कंप्लीट करता है तो इसका मतलब एक दिन की जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 6 बुक्स होगी। उसके बाद 60 बुक्स को अगर B प्लस C साथ में काम करते हुए 15 डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन में 4। 60 बुक्स को अगर 20 डेज में कंप्लीट करता है A प्लस C तो इसका मतलब एक दिन में कितना, 3 बुक्स। ये क्या आ गई, पर डे एफिशिएंसी आ चुकी है, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A की आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अभी इस केस में क्या, देखो दो बार A काम कर रहा है, दो बार B काम कर रहा है, दो ही बार C काम कर रहा है हर एक स्लॉट में, है ना, दो दो बार वाला सबका। तो मैं क्या इनको अगर ऐड करूं तो मेरे पास ये आंसर नहीं आ सकता क्या, ए प्लस बी प्लस सी आ सकता है जी, बहुत सही से आ सकता है क्योंकि दो दो बार है दोनों। तो इज इक्वल टू किसके बराबर, इनकी सिर्फ मैं निकाल रहा हूं 1 डेज एफिशिएंसी, 2 into A+B+C, 6+4 10+13 यह जाएगा टोटल 13। 2 into A+B मतलब अगर ये सारे मिल जाए ना तो एक दिन में 13 बुक्स बनाते हैं, मतलब दो दो टाइप से मिल जाए तो दो दो बार। लेकिन अगर वो एक एक बार काम करें सारे के सारे ए प्लस बी तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 13/2, तो मीन टू से दैट इट्स 6.5 बुक्स। उनका जो एक दिन का एफिशिएंसी बना ए प्लस बी प्लस सी का वो कितना बना, 6.5 बुक्स बन गया एक दिन का, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, उसने यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी सी ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वूल वर्क, टोटल वर्क को तीनों साथ में मिलके। अब इस क्वेश्चन में कई चीजें ऐड हो सकती है कि अलोन, अगर अलोन ए बी सी, है ना, इकट्ठे नहीं अलोन काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे हम साथ में। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी 6.5, टोटल वर्क 60 डिवाइड बाय 6.5, या मैं कर सकता हूँ 13/2 कर सकते हैं जी, तो 120/13 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 9/3/13 days। तो ये मेरा रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको पूछा गया था, टोटल वर्क के डिवाइड में पर डे एफिशिएंसी कर दी हमने तो हमारा आंसर बन गया। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं कि अलोन ए, अगर अलोन होता अकेला ए काम करेगा तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब हमें चाहिए अलोन ए निकालने के लिए क्या चीज़, कि ए की एफिशिएंसी चाहिए पर डे की, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो 6.5 है ना, लेकिन अगर मैं इसमें से बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी को माइनस कर दूं तो ए की एफिशिएंसी बच जाएगी। तो B प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 4, तो इसको माइनस 4 कर दिया मैंने, तो A की जो एफिशिएंसी आई मेरे पास वो कितनी आ गई, 2.5 आ गई, है ना। ऐसे हम B की फाइंड आउट करेंगे, B की निकालनी है तो A प्लस सी माइनस करना पड़ेगा, तो A प्लस सी माइनस किया तो 3/6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 3.5। उसके बाद C की अज्यूम करना है तो A प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, तो A प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 6 है, तो 6.5 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा।
ये तीनों की तीनों पर्सन की एक दिन की एफिशिएंसी आ चुकी है अपना काम करने की। और क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय पर डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, है ना। तो अगर मैं क्या कर देता हूँ, एक ही केस में अगर ए का केस लेके चल रहा हूँ तो 60 अपॉन में 2.5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बी के केस में क्या हो जाएगा, 60 अपॉन में 3.5, और सी के केस में क्या हो जाएगा, 60 अपॉन में 0.5। तो ये मेरे क्या रहेंगे, ए बी सी का तीनों के तीन के केस के आंसर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपके चार क्वेश्चन कंप्लीट किए मैंने, कि पहला क्वेश्चन अगर साथ में काम करते, अगर ए अकेला काम करता, अगर बी अकेला काम करता, तो सी अकेला काम करता, इन दैट केस वो कितना कितना वर्क करते, ठीक है जी। तो इन तीन क्वेश्चनों से आपका जो बेसिक अप्रोच था टाइम एंड वर्क का वो कंप्लीट हो जाता है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होती हैं आपकी, जैसे एफिशिएंसी की टाइम होती है, एमडीएच वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम इसी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिस्कस, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और रेगुलर अपडेट बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।